पहले कचरापाड़ा म्यूनिसिपैलिटी का टोटल स्ट्रेंथ है 24, तो उसका म्यूनिसिपैलिटी का चेयरमैन समेत वाइस चेयरमैन समेत आज ज्वाइन कर रहा है 17 आदमी। तो कचरापाड़ा म्यूनिसिपैलिटी टोटल बोर्ड आज से बीजेपी का चलित तो होगा। बोर्ड विल बी कंट्रोल बाय भारतीय जनता पार्टी। ये आप लोग बोलने सकेगा ये कचरापाड़ा म्यूनिसिपैलिटी इस भाजपा का म्यूनिसिपैलिटी है। हलीशहर म्यूनिसिपैलिटी टोटल स्ट्रेंथ है 23, उसमें 17 काउंसिलर चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन इंक्लूडिंग ज्वाइन टुडे। तो आज से आप लोग बोलने सकेगा हलीशहर म्यूनिसिपैलिटी तृणमूल कांग्रेस के नहीं है, ये भाजपा परिचालित तो बोर्ड है। म्यूनिसिपैलिटी इसमें 31 सीट है, उसमें 22 और 7 29 काउंसिलर आज ज्वाइन कर रहा है। आज से नैहटी म्यूनिसिपैलिटी भाजपा परिचालित तो बोर्ड है। और देखिए कोई जिला परिषद का मेंबर है, वो इसका नाम है शांतनु मजुमदार, शांतनु कौर, शांतनु कोनार, वो भातार असेंबली से इलेक्टेड हुआ है। वो एक यूथ कांग्रेस प्रेसिडेंट था बर्धमान का, वो भी आज ज्वाइन कर गया। खानाकुल में खानाकुल का पंचायत समिति का जो सभापति है नईमुल हक, उसका अंदर जितना जितना पंचायत है सब लेके ज्वाइन कर गया है। संदीप बौर वो प्रधान है जीपीका खानाकुल का, उस भी ज्वाइन कर गया। अभी जो बंगाल में स्थिति है ये आप देखिए, एक तरीके देखेंगे कैलाश जी के नेतृत्व में बंगाल जिस तरीके से चल रहा है, आप लोग का इधर में काम बनाना वो जरूरत हो जाएंगे, जो सब आदमी तृणमूल से भाग के सब बीजेपी में आ रहा है। तो ये आज के जो ज्वाइनिंग प्रोसेस है ये हम बोल दिया। इसके साथ और बहुत आदमी है जो ज्वाइन करने के लिए तैयार है, तो अभी हम टाइम मिला नहीं, सब इलेक्शन खत्म हुआ है, कल के बाद परसों हमारा इधर शपथ ग्रहण है, तो उसके बाद 1-2 तारीख से फिर आप देखेगा एमएलए का लाइन। आपको स्मरण होगा देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने बंगाल की एक सभा में कहा था कि 40 विधायक हमारे संपर्क में हैं। उसके बाद टीएमसी में प्रतिक्रिया हुई, टीएमसी के बहुचर्चित नेता डेरेक ने एक ट्वीट किया था कि 40 विधायक तो क्या एक कॉर्पोरेटर भी नहीं जा सकता, कॉर्पोरेटर तो यहाँ पर हैं, 3 एमएलए हैं। जैसे बंगाल में 7 चरण में चुनाव हुए थे, हम भी इसी प्रकार अगले महीने 7 चरण में ज्वाइनिंग का कार्यक्रम करेंगे। हर महीने अलग अलग चरणों में ज्वाइनिंग का कार्यक्रम होगा। ये पहले चरण में 3 विधायक और 50 काउंसलर हैं, 3 नगर पालिकाओं पर हमारा कब्जा है, जिला पंचायत पे भी हमारा कब्जा होगा, और अब धीरे 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 करके ममता जी के आतंक से, ममता जी की तानाशाही से परेशान होकर जिन लोगों का टीएमसी में दम घुट रहा है वो सारे लोग बीजेपी में आना चाहते हैं। हम उसमें से सिलेक्ट करेंगे, हर किसी को नहीं लाएंगे, जो बीजेपी के लायक होगा उसी को लाएंगे। और आने वाले समय में आप देखेंगे, हमारी तो शुभकामना है ममता जी के साथ कि वो 21 तक मुख्यमंत्री बने ही रहे, पर उनके कर्मों के कारण यदि वो उनको खुद का ही शार्ट पीरियड करे तो ये तो उनकी जवाबदारी होगी, पर हमारी उनके साथ शुभकामना है कि वो हम 21वीं चुनाव लड़ना चाहते हैं, क्यों खुल है हम 21वीं हमारी सरकार बनाना चाहते हैं, पर यदि
उनके लोग उनको छोड़ छोड़ के आ जाएंगे, तो उसमें फिर कोई हमारी कोई गलती नहीं है उसमें। तो मैं सभी बीजेपी के हमारे टीएमसी के जो कार्यकर्ता हैं बीजेपी में शामिल हुए हैं उनका मैं अभिनंदन करता हूँ। सबको मोदी जी के नेतृत्व में विश्वास है, मोदी जी के चमत्कारित नेतृत्व से प्रभावित होकर बड़ी संख्या में बंगाल में लोग सिर्फ टीएमसी नहीं अन्य दलों से भी हमारे साथ जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। आप शॉर्ट नोटिस में आए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।